आज हम बनाने वाले हैं सूजी का और सेवैया का बहुत ही अच्छा नाश्ता जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कप लिया हुआ है सेवैया, इसको हम रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम रोस्ट करेंगे इसको। हमारी जो सेवैया थी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, उसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे इसके साथ। तो ये अच्छे से हो चुकी है, इसको मैं एक बाउल में अब ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसमें मैं डाली हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, उसको मिक्स कर देंगे इसमें। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। दोस्तों हमें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, अब प्लेट को हटा लेंगे। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली, साथ में डाल रही हूँ एक अनियन, एक गाजर मैंने यहाँ पे घिस के रखा हुआ था उसको डाल रही हूँ, 1 स्पून डाल रही हूँ लेमन जूस, हरा धनिया, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं हाथों से मिक्स करूंगी ताकि ये सब अच्छे से, सारी वेजिटेबल्स जो मैंने डाली हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ दही। मैंने चावल का आटा ले रखा है, इसको डालना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ पानी की जरूरत है, गाढ़ा ज्यादा है, तो पानी डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा गर्म होने देंगे इसको। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो हमारी सेवैया थी स्प्रिंकल कर दूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर था उसको हम रख देंगे, एक शेप देते हुए उसको हम इस तरीके से रख देंगे। इसको हम पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे ताकि जितना भी है अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी सेवैया मैं इसके ऊपर से भी लगाऊंगी, टॉप पे भी। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे पकने देंगे। एक साइड जब हमारा पक जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी साइड में पका लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से पलट लिया। तो दोस्तों जो हमारे पैनकेक रेडी हो गए हैं, तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं इनकी।